हेलो फ्रेंड फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपको याद होगा कि पिछले दो लेक्चर्स में हमने मैट्रिक थ्योरी और उससे संबंधित जो हमारे आर सॉफ्टवेयर में ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में सीखा है अब यह तो मुझको पूरा पूरा आप पर भरोसा है कि आपको मैट्रिक्स कैसे तैयार करी जाएगी इसके बारे में सब कुछ मालूम होगा अब जब हमारी मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है, देन उसके बाद हमारे पास उसमें भिन्न भिन्न तरह के हमारे ऑपरेशन्स होते हैं उनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके अलावा हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं कोई अगर मैट्रिक्स मुझे दी हुई है हम कभी उसके किसी रो को बाहर निकालना चाहेंगे अर्थात रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बाहर सेव करना चाहेंगे कभी हम उसके कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बाहर निकालना चाहेंगे या उस मैट्रिक्स की एक सब मैट्रिक्स है उसको भी हम बाहर निकालना चाहेंगे तो इन तरह के ऑपरेशन को अगर मुझे किसी मैट्रिक्स में से किसी रो को रीड करना है या एक किसी पर्टिकुलर रो के ऊपर ऑपरेट करना है या किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर ऑपरेट करना है तो उस रो और कॉलम को अलग से कैसे रीड किया जाए कैसे एक्सेस किया जाए एक पर्टिकुलर तरीके की जो हमारी मैट्रिक्स है सब मैट्रिक्स है उसको मैट्रिक्स से बाहर निकालना चाहते हैं उसको कैसे किया जाए उसके अलावा जब हमारे पास मैट्रिक्स आ गई तो हमारे पास उसमें कई तरीके के ऑपरेशन होते हैं जैसे कि अगर हम एक, एक कोई स्केलर को मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे जैसे कि हम उसके ऊपर एडिशन करेंगे सपट्रैक्शन करेंगे इत्यादि तो आर उसको कैसे ऑपरेट करेगा और अगर हम दो मैट्रिसेस को अगर हम ऐड या सप्ट्रैट करना चाहें तो उसको कैसे किया जाए ये बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हमारे मैट्रिक थ्योरी में आते हैं तो आज हम इनमें से कुछ ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप जब भी कुछ इस तरह का ऑपरेशन करते हो तो आर उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है और उसको आर किस प्रकार से एग्जीक्यूट कर रहा है अब आगे बढ़ने के पहले ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे मैट्रिक्स थ्योरी के साथ में जो ऑपरेशन होते हैं उनके नियम और जो हमारी यूजल स्केलर या डेटा वैक्टर्स के ऑपरेशन होते हैं उनके नियम दोनों अलग अलग हैं और मैं ये बात एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मैट्रिक थ्योरी आती है जो भी यहाँ पर हमारे आर के अंदर ऑपरेशन होंगे वो उन मैट्रिक्स थ्योरी के नियमों का पालन करते हुए होंगे और यहाँ पर शायद मेरे लिए यह संभव ना हो कि मैं आपको मैट्रिक्स थ्योरी के नियमों को विस्तार से बता सकूँ तो आज तो हम बहुत ही एलिमेंट्री ऑपरेशन की की बा, आ, बात करें करने जा रहे हैं लेकिन आगे आने वाले समय में हम और भी मैट्रिक्स ऑपरेशन की बात करेंगे तो इस उम्मीद के साथ में कि आपको मैट्रिक थ्योरी आती है हम आज इस लेक्चर को आरंभ करते हैं अब देखिए हम सबसे पहला जो हम ऑपरेशन आपको करके दिखाना चाहेंगे वह ये है कि अगर, एक, अगर मुझे कोई मैट्रिक दी हुई है उसमें से हम किसी रो किसी पर्टिकुलर कॉलम या उसमें से किसी सब मैट्रिक्स को किस प्रकार से एक्सेस करेंगे किस तरह से बाहर निकालेंगे तो हम यह आपको उदाहरण की तरह हम समझाएंगे और उसके लिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जो हमारी फ़ाइव बाई थ्री की मैट्रिक्स है और जिसमें से हमारे पास पांच रो हैं तीन कॉलम्स हैं और जो उसका डेटा है वो हमारा एक से पंद्रह तक के नंबर हैं और उनको रो वाइज़ अरेंज किया गया है तो देखिए ये हमारी मैट्रिक्स है जो मैंने बना ली उसमें देखेंगे रो वाइज डेटा है एक दो तीन तीन चार पाँच छः इत्यादि करके अब इस मैट्रिक्स पे हम अपने भिन्न भिन्न तरीके के ऑपरेशन करना चाहेंगे अब देखिए पहला तो ऑपरेशन ये होता है कि मुझे अगर किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को बाहर निकालना है तो उसके लिए हमारा ऑपरेशन क्या होगा देखिए उसका एक हमारे आर्ट सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान सा तरीका है जो हमारी मैट्रिक्स है अगर है एक्स है उसके आगे मुझको अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को लिखना है और उसके बाद जो पहले नंबर पर हमको रो के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको देना है और दूसरे नंबर पर हमको कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको लिखना है अब अगर आप ऐसे सोचिए कि मुझको अगर थर्ड रो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए मुझको ये पता करना है कि इस मैट्रिक्स एक्स की थर्ड रो क्या होगी तो हम इसको लिखेंगे एक्स फिर लिखेंगे ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके बाद जो हमारा पहला नंबर होगा ये हमारा रो नंबर होगा तो ये बताएगा कि हमको थर्ड रो में क्या चाहिए और उसके बाद हम एक कॉमा लगा कि हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये हम उसको थर्ड रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं उसके बारे में बता देगा तो देखिए अगर आप ये देखिए इस मैट्रिक्स में थर्ड रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं सेवन एट नाइन और यही इसने आपको देखिए यहाँ पर निकाल के दे दिया उसी प्रकार से अगर हमको सेकेंड कॉलम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देखिए मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम लिखा ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और उसके बाद में रो की जगह पर ब्लैंक कर दिया उसके बाद कॉमा लिखा और उसके बाद में जो कॉलम संख्या है उसको लिख दिया तो यह हम उसको सेकेंड कॉलम के बारे में बताएगा और ये पहला कमांड हमको थर्ड रो के बारे में बताएगा अब देखिए सेकेंड कॉलम में आपका आउटपुट क्या आ गया टू फाइव एट एलेवन फोर्टीन अब जरा सही आप इस मैट्रिक्स में वेरीफाई करिए टू फाइव एट इलेवन फोर्टीन ये तो आपका दूसरा कॉलम है तो ये हमारा एक अप्रोच होती है किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करने की अब इसी मैट्रिक्स में से हम कोई सब मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं अब अगर हमारी इच्छा है कि हमको इस मैट्रिक्स से चौथी और पांचवी रो और दूसरे और तीसरे कॉलम पे जो एलिमेंट हैं उनको हम बाहर निकाल लें तो उसके लिए हमारा जो बेसिक सिद्धांत है वो वही रहेगा कि हम सबसे पहले यहाँ पे हम अपना मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे एक्स उसके बाद में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको लगाएंगे और उसके बाद हम अपनी जो भी रो संख्या हैं अगर हम कहते हैं कि चार से पाँच तक की तो उसको हम फोर कोलन फ़ाइव के फॉर्म में लिख सकते हैं और कॉलम संख्या है दो और तीन तो हम इसको दो कोलन थ्री के फॉर्म में लिख सकते हैं और इस तरीके से लिख करके जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको यहाँ पर ये आउटपुट मिल जाएगा अब सा हम इसको यहाँ पर वेरीफाई करते हैं कि ये आउटपुट सही है कि नहीं है अब हम देखते हैं कि चौथी पाँचवीं रो पर आपका ये हो गया पार्ट और दूसरे तीसरे कॉलम पर आपका कौन सा पार्ट हो गया ये वाला पार्ट तो अब देखिए आपके पास दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया ये आया 11, 12, 14, 15 और यहाँ पे आप अगर देखेंगे यही तो आपको आर सॉफ्टवेयर ने यहाँ से सब मैट्रिक्स निकाल करके दी है तो ये देखिए हमारा तरीका होता है किसी सब मैट्रिक्स को बाहर निकालने का अब इस सब मैट्रिक्स को हम अलग अलग तरीके से बाहर भी निकाल सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने अपना जो रो और कॉलम लिया वो हमारे कॉन्टिन्यूशन में थे अब हम कर उनको अलग अलग लेते हैं जैसे कि हमारी इच्छा अगर है कि हम जो पहली और फोर्थ रो है फर्स्ट एंड फोर्थ रो वहाँ के एलिमेंट्स लेंगे और जो हमारे फ़र्स्ट और थर्ड कॉलम है हम उनके एलिमेंट लेंगे तो अब अगर इसको हमको अपने आर सॉफ्टवेयर को समझाना है तो बहुत आसान तरीका है हम इसमें डेटा वेक्टर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे हमने देखिए ये ब्रैकेट लिखा और ब्रैकेट के आगे हमने पहले स्थान पर जो भी रो के बारे में इंफॉर्मेशन है कि हमको पहली और फोर्थ रो की वैल्यूज़ चाहिए इसको मैंने सी कमान के साथ में लिख दिया और दूसरे स्थान पर मैंने अपने फ़र्स्ट और थर्ड कॉलम की इंफॉर्मेशन को मैंने सी कमान के साथ में लिख दिया अब यहाँ पे देखिए हमारा ये आउटकम आ गया अब जरा सा हम इसको अपने इस मैट्रिक्स में भी करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है अब देखिए यहां से आप देखिए ये मैंने आपको मैट्रिक दी हुई है जो आपकी पहली रो क्या है ये आपकी फोर्थ रो क्या है ये आपका पहला कॉलम क्या है ये और आपका थर्ड कॉलम क्या है ये अब देखिए यहां पर इसमें से इनके इंटरसेक्शन पर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं एक तीन दस और बारह देखिए ये वैल्यू ये दी हुई है तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि जो आप सब मैट्रिक्स बाहर निकालना चाहते थे वह आपने यहां से बाहर निकाल ली है ओके अब यहां पर हम आपको एक चीज पहले दिखाना चाहेंगे और ये आपके लिए समझना थोड़ा सा आवश्यक है कि जब आप अपने आर सॉफ्टवेयर को किसी और सॉफ्टवेयर से कंपेयर करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा अब देखिए मैं अगर माँ यहाँ पर इस वाली मैट्रिक्स में अगर हम आपने यहाँ पर थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को बाहर निकाला है आप जरा इसका आउटकम देखिए यहाँ पे कैसा आया है दिस like और अगर हम कहें आप इसका जो स्क्रीनशॉट है आप इसको यहाँ पर देखिए आपका जो थर्ड रो का जो आउटपुट आया ऐसे आया है और सेकंड कॉलम का आउटपुट ऐसे आया है चलिए हम आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड रो और यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड कॉलम अब हमें काम करते हैं यहां से ये इन्फॉर्मेशन हम हटा देते हैं और आपको खाली बस इतना ही पता है ये वाली इंफॉर्मेशन जो इस आयत के अंदर लिखी हुई है और यहाँ पे यह भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा रो या कौन सी कॉलम है क्या इन दो आउटकम्स को देख करके आप यह पहचान सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमारी है एक्स ये वाली ये इनका रो है कि कॉलम है अगर हम आपको एक्स नहीं दिखाएंगे तो आप इस आउटकम को देख करके आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये जो हमारा आउटकम आया है ये उसके रो का है कि कॉलम का है या कौन सी रो या कौन से कॉलम का है यही बात मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है कि जैसे मैंने देखिए ये लिखा है इन्फ़ॉर्मे इसको देख करके और अगर हम आपको ये वाला पार्ट अगर हम नहीं दिखाते हैं तो आप इसको देख करके कैसे बताएंगे कि ये जो वैल्यूज़ टू फाइव एट एलेवन फोटीन आई हैं ये हमारे रो की हैं या कॉलम की हैं या कौन से पर्टिकुलर रो या कौन से पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज़ हैं ये अंतर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास कई सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर हम जब अपने रो और कॉलम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वह हमको वहाँ पर इस तरह की इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिससे मुझको दे करके पता चल जाता है कि जो वैल्यूज़ मेरी बाहर आई हैं ये किस रो या किस कॉलम की हैं लेकिन आर में इसको पहचानना संभव नहीं है तो चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं आपको इन ऑपरेशंस को आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए चलिए हम इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो देखिए आपने देखा ये आपकी मैट्रिक्स आ गई यहाँ से सपोज़ हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम को निकालना चाहते हैं अब कभी कभी बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ये कन्फ्यूज़न आता है कि थर्ड रो को निकालने के लिए मुझको ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है मतलब कि ब्रैकेट के अंदर हमको थ्री कॉमा लिखना है कि कॉमा थ्री लिखना है तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने का देखिए बहुत आसान सा तरीका है आप यहाँ पे देखिए कि ये आपका क्या है ये आपकी है थर्ड रो और थर्ड रो का एड्रेस क्या दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में थ्री और कॉमा और जो थर्ड कॉलम है यहाँ पर वैल्यूज दी हैं स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा और थ्री अब अगर आपको थर्ड रो निकालनी है तो आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के पहले आप लिख दीजिए एक्स तो आपको जैसे एक्स ये जो लिखा है मैंने एक्स थ्री कॉमा इससे आपको थर्ड रो मिल जाएगा और जब आप एक वाला आप कॉमा थ्री लेंगे और साथ में एक्स लगाएंगे जैसे ये तो यहाँ से आपको थर्ड कॉलम मिल जाएगा इसके बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जैसे देखिए मैंने बताया आपको और कॉमा थ्री उसके अलावा आप अगर किसी पर्टिकुलर रो को आप अगर यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं जैसे देखिए या किसी और पर्टिकुलर कॉलम को भी आप अगर करना चाहते हैं तो भी आप कह कह सकते हैं जैसे पहला कॉलम के बारे में है ये यह। अब यहाँ से हम अगर बात करते हैं कि हमको किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को हमको अगर निकालना है तो ये हमारी मैट्रिक्स है एक्स और इसमें से अगर हम मान लीजिए पहली और दूसरी रो और दूसरे और तीसरे कॉलम को अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा पहली दूसरी रो में तो हमारी वैल्यूज़ आ गई और दूसरी और तीसरे कॉलम के साथ में आपका इंटरेक्शन क्या आ रहा है दो तीन और पाँच छः इसी कमान में अगर हम मान लीजिए करते हैं कि हमको पहली दूसरी रो और हमको तीसरे और चौथे कॉलम की सब मैट्रिक्स निकालनी तो देखिए क्या होगा इसने बोल दिया एरर क्यों क्योंकि तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि तीसरा और चौथा कॉलम लेकिन कॉलम तो आपके खाली किन तक के हैं चौथा कॉलम है ही नहीं इसीलिए इसने आपको यहाँ पे एरर दिया है और साथ में कहा कि सब्सक्रिप्ट आउट ऑफ बाउंड अर्थात जो आपने यहाँ पर ये रेंज दी हुई है इसकी जो सब्सक्रिप्ट है ओरिजिनल मैट्रिक्स में एक्स में ये इसकी रेंज के बाहर है तो यहां से आपको ये मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है अब उसी तरीके से आप इस मैट्रिक्स में से किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को आप अगर निकालना चाहते हैं तो जैसे हम कहें कि हमको पहली और पांचवी रो चाहिए और हमको मान लीजिए कि पहला और तीसरा कॉलम चाहिए ये वाली सब मैट्रिक्स निकालनी है देखिए बहुत ही आसान है पहली रो आपकी ये हुई पांचवी रो आपकी ये हुई पहला कॉलम की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और तीसरे कॉलम की वैल्यू यहाँ है आप इनका इंटरसेक्शन सेक्शन निकाल लीजिए देखिए आपको ये वन ये थ्री ये थर्टीन और फिफ्टीन आपको ये चार वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगी इसके द्वारा आप कोई भी आपको जो सब मैट्रिक्स है या जो वैल्यू है आप उसको यहाँ से निकाल सकते हैं अब चलिए हम अपने आगे की बात करते हैं और हम आपको कुछ और ऑपरेशन से अवगत कराते हैं अब हम जो अपना अगला कार्य यहाँ पे करने वाले हैं उसमें से हम एक मैट्रिक्स और एक स्केलर को ले रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम एक, एक किसी मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते हैं तो क्या होता है तो इस बात को समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं जो हमारी फोर बाई टू की मैट्रिक्स है और उसमें एक से आठ तक की वैल्यूज़ दी हैं जो हमारी सारी वैल्यूज़ रो वाइज अरेंज हैं तो देखिए ये आपकी मैट्रिक्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके हम इसको साफ़ कर देते हैं अब हम इसमें से क्या करते हैं इस मैट्रिक्स में हम एक स्कल ले लेते हैं पाँच पाँच को हम ऐड करते हैं इसमें से क्या होगा हर एक एलिमेंट में यहाँ पर आपका पाँच ऐड हो जाएगा जैसे ये है और इसका देखिए जो भी आउटकम है वो देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा राइट एक प्लस पाँच छ तीन प्लस पाँच आठ एंड सो ऑन तो आपने देखा कि जब आप कोई स्केलर को किसी मैट्रिक्स में ऐड कर रहे हैं तो यह स्केलर का ऑपरेशन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट पर हो रहा है आप जिस तरीके से आपने एडिशन किया है उसी तरह से आप सप्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं अगर हम उसी मैट्रिक्स को यहाँ पर लेते हैं जो हमने पहले ली है और उसी के अंदर हम पाँच से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पाँच एक स्केलर है तो क्या होगा इस मैट्रिक्स एक्स में हर एक एलिमेंट आपका पाँच से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि इसका जो आउटकम आपका ये आ जाएगा उसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम अगर यही मैट्रिक्स लेते हैं और इस मैट्रिक्स को हम पाँच से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो हर एक एलिमेंट है वो पाँच से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका जो उत्तर है ये आपको देखिए नीचे दिया हुआ है सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव सिक्स फाइव ज़ा थर्टी एंड सो ऑन और उसी प्रकार से आप अगर इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं भाग देते हैं तो क्या होगा हमने उसी मैट्रिक्स को लिया और इस मैट्रिक्स को हमने दो से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा हर एक जो हमारा एलिमेंट है ये हमारा दो से डिवाइड हो जाएगा और इसका देखिए जो भी उत्तर है ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वन पॉइंट टू ज़ीरो पॉइंट फाइव एट पॉइंट टू फोर एन सो वन सो चलिए हम आपको ये वाले ऑपरेशन हम आपको आर सॉफ्टवेयर में करके हम दिखाते हैं और किससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये बहुत ही आसान काम है हमने अपनी एक्स मैट्रिक्स से तैयार कर ली आप देखिए इसी मैट्रिक्स में मैंने 10 से add कर दिया तो क्या होगा हर एक एलिमेंट में हमारा 10 ऐड हो जाएगा वन प्लस टेन एलेवन एट प्लस टेन एट्टीन और उसी तरीके से अगर हम इस मैट्रिक्स में अगर हम मान लीजिए टेन से सप्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा वन माइनस टेन माइनस नाइन एट माइनस टेन माइनस टू एंड सो वन आपने देखा कि हर एक एलिमेंट एक्स मैट्रिक्स का जो है उसमें से टेन सप्ट्रैक्ट हो गया है उसी तरीके से आप इस मैट्रिक्स एक्स को आप अगर मान लीजिए कैन से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो देखिए इसका हर एलिमेंट इसका कस से मल्टीप्लाई हो गया और इसी में अगर एक्स मैट्रिक्स में आप अगर एक्स मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आप अगर दो से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि हर एक एलिमेंट आपका जो है दो से यहां पर डिवाइड हो गया है तो आपने देखा कि ये तो ऑपरेशन बहुत ही आसान ऑपरेशन है बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है लेकिन आपके लिए समझना ये आवश्यक है कि आर कर क्या रहा है तो अभी तक देखिए जो हमने आपसे बात करी है वो मैंने एक मैट्रिक्स और एक और एक स्केलर को लेकर के किया है अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो उनका आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमारे पास जो यूजुअल ऑपरेटर है प्लस और जो सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास यूजुअल ऑपरेटर है माइनस अब जहाँ पर जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो यह बात है कि आपको मैट्रिक्स के नियमों को समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स में एडिशन और सप्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स में जो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में होता है अर्थात जो एलिमेंट हमारा पहली मैट्रिक्स में जिस एड्रेस पर होगा उसी एड्रेस पर जो दूसरी मैट्रिक्स में हमारा एलिमेंट होगा उनके उनके बीच में एडिशन या सप्ट्रैक्शन होगा जैसे आपको ये बात समझाने के लिए अगर हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स लेते हैं हम उनको तैयार करते हैं एक्स और वाई मैंने यहाँ पे करी है जो हमारी फोर बाई टू मैट्रिक्स हैं और एक्स मैट्रिक्स में हमारा डेटा है एक से आठ तक और वाई मैट्रिक्स में हमारा डेटा है एलेवन से एटीन तक तो देखिए ये हमारी हो गई मैट्रिक्स एक्स और ये हमारी मैट्रिक्स हो गई वाई अब इसमें से अगर हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना है तो हम कहें कि ये जो हमारा एड्रेस है जहाँ पे हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वन एक्स मैट्रिक्स में और वाई मैट्रिक्स में यही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे हमारा एलिमेंट है एलेवन इनके इनके बीच में प्लस या माइनस होगा उसी तरीके से अगर अगर हम कहें कि ये हमारा फोर्थ रो और सेकेंड कॉलम पर एलिमेंट है एट एक्स मैट्रिक्स में और वाई मैट्रिक्स में फोर्थ रो और सेकेंड कॉलम पे हमारा एलिमेंट है 18 तो 8 और 18 के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा अर्थात जो भी हमारे रिस्पेक्टिव एड्रेसेस पर एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में हमारा यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो इसी बात को अगर हमको यहाँ पर समझने के लिए अगर हम एक्स और वाई मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करने की कोशिश करते हैं तो देखिए आपका जो आउटकम ऐसा आ जाएगा कुछ तो यहाँ पे क्या हुआ ये मैंने लिए मैट्रिक्स एक्स और ये लिए वाई तो देखिए मैंने वन और इलेवन को ऐड किया उत्तर कितना आ गया ट्वेल्व और उसी तरीके से अगर मैंने सिक्स और सिक्सटीन को जो हमारे थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं इनको इनको आपस में ऐड किया तो हमारा आ गया ट्वेंटी टू और उसी तरह से अगर हम इनको सप्रैट करने की भी कोशिश करेंगे तो भी देखिए हमारा इसका उत्तर ऐसे आ जाएगा और ये किस प्रकार से आएगा देखिए आपने वन और एलेवन को जो हमारे फर्स्ट रो और, और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स से एक्स और वाई में उनको आपने सपट्रैक्ट कर दिया तो उत्तर आ गया वन माइनस एलेवन माइनस टेन और उसी तरीके से आपने थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के जो एलिमेंट्स थे एक्स में छः और वाई में थे सोलह इनको इनको आपने सपट्रैक कर दिया तो ये हो गया छः माइनस सोलह तो इसकी वैल्यू हमारी माइनस कैन आ गई और देखिए ये यहाँ पे आपका ये आउटकम आ गया तो आपने देखा कि आर सॉफ्टवेयर में इन एडिशन और सप्रेशन को करना बहुत ही आसान काम है आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए हम इन ऑपरेशन को जरा सा और आर सॉफ्टवेयर में भी करते हैं और हम इन्हीं एक्स और वाई मेट्रिक को यहाँ पे ले लेते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे एक्स ले लिया ये हो गया वाई हो गया ये जो मैंने आपको भी दिखाई है एक्स में हमारे एलिमेंट हैं एक से आठ तक और के और वाई के एलिमेंट हमारे एलेवन से एटीन तक के हैं अब हम इसको जरा से यहाँ पे ऐड करते हैं एक्स गया ये वाई हुआ ये और एक्स प्लस वाई देखिए कितना हो गया ये हो गया और इसी में अगर आप अगर x माइनस वाई की बात अगर करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा x आपका ये है y ये है x माइनस वाई आपका क्या होगा हर एक एलिमेंट आपका माइनस टेन हो गया तो आपने देखा कि x और y को ऐड या सप्टैड करना हमारे R सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान काम है और ये जो हमारे ऑपरेशन्स हैं ये हमारे बेसिक ऑपरेशन्स होते हैं मैट्रिक्स थ्योरी के जिनके अंदर हम मैट्रिक्स थ्योरी के नियमों का पालन करते हैं और इनके बिना मैट्रिक्स थ्योरी हो ही नहीं सकती है तो अब हम यहाँ पे इस लेक्चर में रुकते हैं आज मैंने यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कमांड्स को आपको समझाने की कोशिश करी है ये जो हमारे बेसिक कमांड्स हैं ये हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसके बीच में बहुत बार इस्तेमाल होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये बात यहाँ पर है कि जो आर कर रहा है ये अब आपको समझना है कि आर हमारा एक, एक कोई मैट्रिक्स को स्केलर के साथ में कैसे ऑपरेट कर रहा है और दो मैट्रिसेस को कैसे ऑपरेट करना है ये आपको भी समझना पड़ेगा और ये जब आप समझ जाएंगे तो जो आपको कार्य करना है उसको आप आर की भाषा में सही सही लिख देंगे तो आपका भी कार्य आसान हो जाएगा और आर आपकी भाषा समझेगा और आप आर की भाषा को समझेंगे इसलिए आज मैं आपको यह रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने ये छोटे छोटे जो भी कमांड्स लिए हुए हैं आप उनके अपने आप से उदाहरण लीजिए और उनको आर सॉफ्टवेयर में प्ले करने की कोशिश करिए उनके साथ खेलिए जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि आपने मैट्रिक थ्योरी में के रखा हुआ है कि जब तक कि हमारे दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं होंगे उनका एडिशन या सप्रैक्शन नहीं होगा आप इसमें आर में कोई दो मैट्रिस लीजिए उनके ऑर्डर को अलग अलग कर दीजिए और देखिए क्या होता है आर क्या कहता है आर में किस तरह की जो एरर मैसेजेज़ हैं या वार्निंग मैसेजेस क्या आते हैं और जितना ज़्यादा आप आर के साथ में खेलेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी आर के साथ में दोस्ती बढ़ेगी और जब दोस्ती अच्छी हो जाएगी तो ज़िंदगी आपकी और आर दोनों की बहुत अच्छी बीतेगी और इसी आश्वासन के साथ मैं आपको अगले लेक्चर में मैट्रिक्स थ्योरी के कुछ और सिंटैक्स और कमर्स बताऊँगा तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले लेक्चर में लूँगा तब तक के लिए गुड बाय